आज तो अकेले आया शिवरी अमजद भाई। हाँ भाईजान, एक काम से गए, आ जाएंगे। उस दिन वो मुझे कितने खूनखार नजरों से देख रहे थे। तो जाहिर है, अपनी बेटी का नाम तुम्हारे मुंह से सुना था, गुस्सा तो आएगा ना। तो मेरी जबान से बेटी का नाम सुना तो बुरा लग गया, और वो शहजाद खुल्लम खुल्ला मिलता है, उसका मिलना बुरा नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है। जब भी तो तुम्हें कहा है, उसको जाके समझाओ। हाँ समझा दिया था, अभी ये बताओ बुलाया क्यों है? अरे हाँ भाई, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, और काम राजदारी का है। बोलो। शहजाद को रंगे हाथों पकड़वाना है। शहजाद को? वो तो बड़ा सीधा लड़का है, और उसके कोई ऐसे मसले भी नहीं है जिसमें हम उसे रंगे हाथों पकड़वा सकें। मुझे मत सिखा, कोई भी इंसान सीधा नहीं होता। उसके पीछे पड़े क्यों हो? भाईजान से मैंने वादा किया, उसने जो बेइज्जती की है ना, उसका बदला मैं लेके रहूंगा। जिस तरह से भाईजान को हवालात में लेके गए ना, उसी तरह से वो जाएगा। तो इसमें मेरा क्या फायदा है भाई? बड़ा ही कोई बेशरम इंसान है, आज तक तेरी कोई बात मना की है, मेरा क्या फायदा है? अरे तो बात अगर पहले तय हो जाए तो अच्छा है ना। चल बोल क्या अच्छा था। सारी उम्र तक मेरा सिगरेट पानी मुफ्त, बोलो मंजूर है? ठीक है, मंजूर है, लेकिन काम हो जाना चाहिए। आप बेफिक्र रहो। अच्छा अमृत भाई, मैं चलता हूं। अरे भाईजान जल्दी आ गए, क्यों आया था ये यहाँ? बैठे बैठे बताता हूँ आपको, सब कुछ बताता हूँ। मैंने बुलाया था एक काम से। जी मैंने मना भी किया था कि ये दोबारा यहाँ नजर ना आए। भाईजान थोड़ा सा हौसला रखें, ये लड़का बहुत काम का है। शहजाद ने जो कुछ हमारे साथ किया है ना, उसका बदला यही ले सकता है। ये क्या करेगा? अब क्या करेगा, कैसे करेगा, ये इसका मसला, लेकिन काम हमारा हो जाएगा।